आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के मौके पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अग्रणीय संस्थान आकाश बायजूस ने एजुकेशन फॉर ऑल के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए निजी कोचिंग में छात्राओं के सशक्तिकरण एवं समावेशन के लिए बड़ी पहल का ऐलान किया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान आकाश बायजूस के असिस्टेंट डायरेक्टर आकाश बायजूस द्वारा दी गई। भारत सरकार की आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के मौके पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अग्रणीय संस्थान आकाश बायजूस ने एजुकेशन फॉर ऑल के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए निजी कोचिंग में छात्राओं के सशक्तिकरण एवं समावेशन के लिए बड़ी पहल का ऐलान किया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान आकाश बायजूस के असिस्टेंट डायरेक्टर आकाश बायजूस द्वारा दी गई। हम लोग ने ये जो लॉन्च किया है इस साल 2000 जो अनप्रिविलेज गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है फ्रॉम द पुअर सोसाइटी और बिलो पॉवर्टी सोसाइटीज जो आती है उनके लिए है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉन्च दैट वी हैव इन दिस प्रिविलेज सो दैट वी कैन रीच आउट टू देम। हम उनको पहुंच सकते हैं, वो हम तक जुड़ें उनके साथ। इसके लिए हमने जो NGO से टाई अप की है स्माइल एंड लाडली, तो इनके ज़रिए जो है हम ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स उन तक भी पहुँचाएंगे, उनको भी ये जो है पढ़ने का मौका, पहुँचने का मौका और उनके अपने ड्रीम्स पूरे करने का जो मौका हम उनको देना चाहते हैं। जो है सबको ओपन है, चाहे दो है चाहे वो एक है जिसका भी है, बट एक पॉइंट है जो कि एक प्रोटोकॉल है कि कितने लोग जो है लाडली के NGO के थ्रू जा रहे हैं या स्माइल के द्वारा। तो हम लोग जो है उनको जो है उनके थ्रू जो आ रहे हैं हमारे पास, तो उन्होंने अपनी कंडीशंस जो हमारे सामने रखे कि हम ये कंडीशन लेके आएंगे। हाँ, हमारे पास अगर मान लो दूसरा बच्चा भी देना चाहे, दूसरी लड़की भी देना चाहे, तो वो भी ओपन है। अगर वो कुछ स्कॉलरशिप अर्न करे तो उनको भी हम स्कॉलरशिप देंगे, जो भी स्कॉलरशिप वो अर्न कर रहा है।